देखो, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है कि सर वालेकुम सलाम कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास सी डी है। तो अगर ये हमारे पास पैरेलल हैं तो हमारे पास दो लाइन हो रही है, उसमें भी एक चीज दे रहा है हमें कि ई एफ, ये ई एफ है और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर आपके पास ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और इधर भी 90। एंड जी ई डी इज 126। अब ध्यान से देख लीजिए आप, ये एंगल जो है जी ई डी, ये एंगल 126 है। तो अगर इस 126 में से ये हम नाइनटी फाइव ये वाला 90 माइनस थर्टी करते सिक्स हैं तो ये एंगल हमारे पास 36 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 36। सिक्स अच्छा, अगर ये 36 है और हमने आपसे कहा था कि ये 90 है तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। या इसमें ये भी है कि अगर ये हमारे पास 126 फिफ्टी है, फोर ये हमारे पास 126 है, तो ये आपके पास ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई? ठीक है, ए जी ई, तो ये भी वन कितना हो ट्वेंटी जाएगा? सिक्स होगा 126 ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटी एंगल्स होंगे। तो आपके पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा एफ जी ई, क्योंकि सम 180 होता है 54 डिग्री। 54। ठीक है, तो जितने चाहे एंगल्स आप बदल सकते हो। इसी तरह से अगर ये आपका 126 है, ये इधर वाला 126 है आपके पास, तो इस साइड वाला आप बता सकते हो वही 54 आ जाएगा। तो जो भी आपको इस फोर आपको बताना था, आपसे कह रहा था ए जी ई बताओ, तो ए जी ई 126 हो गया आपके पास, और जी ई एफ बताओ, जी ई एफ हमने निकाला 126 माइनस 90 तो वो 36 हो गया। आपसे कह रहा है एफ जी ई बताओ, तो एफ जी ई आपका 54। सर, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है कि भाई पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ये आपके पास पी क्यू है और ये पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये आपके पास एस टी है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास हो रहा है ऐसे क्यू आर, और हमारे पास ऐसे हो रहा है आर एस, ये ऐसे हो, और हमसे कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री। ये एंगल हमारा 110 हो रहा है, और आर एस टी हमारे पास ये एंगल जो है 130 डिग्री हो रहा है। तो इसमें जितने भी एंगल्स हैं उनको निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है सीधा सीधा सा कि अगर आप पी क्यू को एक्सटेंड कर दें, पी 60 डिग्री आंसर सर। क्यू को अगर आप बढ़ा दें, तो एक तरीका तो ये, अगर आप पी क्यू को बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कोई बताएगा मुझे कितना होगा? सर 130। ठीक है, तो ये होगा 130, क्योंकि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। चलिए, अगर ये 130 हो गया तो आप इसके साथ वाला एंगल बता सकते हैं बराबर वाला, ये कितना हो जाएगा भाई? ये 50 हो जाएगा, ये सही बात है। अच्छा, ये इधर जो है हमारे पास 110 था, अगर ये 110 था तो आप ये सेवेंटी वाला एंगल बता सकते हो, सेवेंटी ये 70 था। अगर ये 70 और ये 50, तो फिर आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल बता सकते हो, सिक्सटी ठीक है भाई? तो ऐसे, तो एक पार्ट तो ऐसे था कर सकते थे, दूसरा पार्ट आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप जो है लाइन जो है वो यहाँ ड्रॉ करते पैरेलल, इसको दूसरी बार में बना देते हैं। अगर सपोज करो हमारे पास ये एक लाइन है और ये लाइन दी भी है और ये हमारे पास लाइन है, और सपोज करो ये हमारे पास लाइन है,
तो एक तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें, यहाँ। तो अगर ये एंगल हमारा 130 है, ये 110 है, तो अगर ये हमारे पास 110 है और ये हमारे पास 130 है, तो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव इंट्री एंगल का सम 180 होता है ना भाई, तो ये वाला एंगल 70 हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का सम 180 होना है और इन दोनों का सम 180 होना, तो भी आप कर सकते हो, तो ये वाला 70 हो गया, ये 150, ये 50 हो गया, तो टोटल हो गया 120, तो ये बीच वाला एंगल 60 बचेगा, तो ऐसे भी आप कर सकते थे।